बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी और बड़ी खबर पीआईए के लिए। तकरीबन 30 मुल्कों के, यूरोप के 30 मुल्कों ने पाकिस्तान एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब वो पाबंदी हटा दी गई है। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं यूरोप के किसी मुल्क में भी, तो पाबंदी लगी हुई थी और अब उनके पाकिस्तान की कोशिश की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम मिला, तो आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। यानी कि 3 जुलाई तक आपके पास टाइम है। अगर आप लोग अभी टिकट ले कि आज टिकट ले रहे हैं, आज रात को रवाना हो जाए, 3 जुलाई रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। आप लोग यूरोप के लिए सफ़र कर सकते हैं, चाहे महंगी टिकट लें, सस्ती लें, जैसे भी आपको मिलती है। अगर आपने यूरोप में किसी मुल्क में भी जाना है, तो पीआईए की टिकट लेके आप लोग अब जा सकते हैं, वो भी 3 जुलाई तक। फिर पाकिस्तान ने कहा है, पीआईए वालों ने, कि 3 जुलाई के बाद हम लोग अपील करेंगे कि हमें किस चीज़ का जो है मामला किया। हमने तो जो पायलट वगैरह थे, हमने तो अंडरग्राउंड कर दिया, वो तो अब चला ही नहीं रहे। अब तो वही पायलट चला रहे हैं जो लोग सही, जिन्होंने इम्तहान दे के पास हो के जो प्लेन चला रहे हैं वही हैं। बहरहाल बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान को रिलीव मिला है। 3 जुलाई तक रात 12 बजे तक आप लोग 3 जुलाई रात 12 बजे तक आप कोई टिकट लेकर यूरोप पीआईए के थ्रू जा सकते हैं। लीव ही है तो आप तब भी सफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचते। अस्सलाम वालेकुम।